द डियर स्टूडेंट्स एलेवं साइंस लास्ट वीडियो ऑफ लेसन नंबर टू वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई कंटिन्यू आई चेकड एंड री चेक माई कैलकुलेशंस मैं अपनी जगह पर गया मैंने चेक किया कैलकुलेशंस किया दूसरी बार कैलकुलेशंस किया वी है लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पैर Which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. So, I checked the two the compass. जो इसको हम होका यंत्र बोलते हैं डायरेक्शन देने वाला इंस्ट्रूमेंट जो कंपास था वो हम लोगों ने लॉस्ट कर दिया था और आई एम यूजिंग स्पेयर जो मेरे पास एक्सपेयर में पड़ा था वो भी उसका जो मैग्नेटिंग का जो चुंबकीय तत्व था वो भी जो है वो ख़राब हो चुका था यानी यहाँ पे हम लोग फेल हो गए कंपास के मामले में आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस अनधर estimate फॉर influence। मैंने अपने दिमाग से थोड़ा काम लिया और ऐसा सोचा कि जो वेस्टर्ली करंट्स है यानी कि जो पश्चिम दिशा की ओर से आने वाले जो पवन है जो फ्लो है जो पवन का करंट है ओके उसको किस तरह से किया जाए कंट्रोल और जो इंडियन ओशियन है वो जो पार्ट है वो जो इंडियन ओशियन पार्ट में से जो वेस्टर्नली करंट्स आएगा उसको किस तरह से करंट रोका जाए ये मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया अबाउट टू पी लगभग टू पी एम आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क दी टू स्टील कोर्स ऑफ वन हंड्रेड एटी फाइव डिग्री इफ वी वेर लकी आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कूड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट फाइव करीबन दो बजे मैं डेक पर गया मैंने लेरी को जो सुकान था वो वन हंड्रेड एटी फाइव डिग्रीज पर ले जाने की बात कही और संभालने की बात कही आ, अगर हम लोग नसीबदार रहे तो मैंने बोला और वो भी दृढ़ निश्चय से कन्विक्शन जिसको हम बोलेंगे फॉम बिलीव से मैंने कहा आई डोंट नॉट फील ऐसा अंदर से मेरे को इतना फील नहीं था फिर भी मैंने कन्विक्शन के साथ मैंने कहा कि अगर हम लोग इस तरह से कर पाएंगे ही गुड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड अब तो पाँच बजे तक हम लोग को ऐसी एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्ट है हमारा कि हम लोग पाँच बजे आईलैंड देख पाएंगे देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो क्लाइम ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोजेड ऑफ

थोड़ा आराम करने के लिए बैठा और अमेजिंगली वहाँ पे पवन अच्छी आ रही थी तो ऐसे जिसको बोलते हैं कि एक डोजेड और बस हल्के हल्के जो के आने लगे नींद के और मैं सो गया क्योंकि थका भी था जब मैं करीबन छः बजे सिक्स पी जब मैं जगा उठा ग्रोइंग डार्क पूरा चारों बाजू एक अंधेरा था और आई न्यू मैं जानता था कि हम लोग जो आइलैंड है वो मिस कर चुके थे एंड विद द सेल वी है लेफ्ट और ये जो हमारा वेव वर्कर है वो आइलैंड को छोड़कर कहीं निकल गया है वी कूडेंट टू बीट बैक इन टू वेस्टर्नली विंड्स जो पश्चिम दिशा की ओर से आने वाले जो पवन थे उसको हम लोग बीट नहीं कर पाए ऐसा मुझे uh, आशा हुई जब मैं झागा तब एट दैट मोमेंट टॉस्ट हैड अपियर माई बंक तभी उसी क्षण जो मेरा ये बिखरे हुए बाल वाला जो मेरा लड़का था जॉन वो, वो मेरे बंक में आया कैन आई हैव हग जोनाथन आस्क सू वॉज राइट बिहाइंड वाई एम आई गेटिंग अग नव आई आस्कड Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. Not today, John, I am afraid. Why, you must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us, the chorus. एस बी गैस बैटल शिप तो यहाँ पे जौन अंदर आता है और उसके पापा को हक करता है जोनेथन बोलता है सू उसके तुरंत पीछे ही है आ, मैं आपको हक कर सकता हूँ गले लगा सकता हूँ ऐसा जौन बोलता है पूछता है आ, क्योंकि आप दुनिया के आप सबसे अच्छे पापा हो और वर्ल्ड के भी आप अच्छे पापा हो और वर्ल्ड के आप अच्छे कैप्टन भी हो जहाज चलाने के जो अच्छे कैप्टन होते हैं वो अच्छे कैप्टन भी हो आ, मेरे सन ने से मुझे आ, रिप्लाई दिया नॉट टुडे आज क्यों आज नहीं है जॉन मुझे डर लगता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो क्यों ना बोलूँ ओके okay. आप हो ऐसे अच्छे डैडी अच्छे कैप्टन जो हकीकत थी ऐसे आवाज़ में लड़की ने कहा यूफॉम और आपने ढूंढ निकाला आइलैंड और वो एकदम आश्चर्य चकित होकर व्हाट और ऐसे बड़ी आवाज़ में बोलते हैं हाँ हमारे सामने ही है देखो वो लोग एक साथ बोलते हैं कॉरस में सभी लोगों की आवाज़ में और एज बी गैज अ बैटल सीप जैसे बहुत बड़ा सीप हो युद्ध का ऐसा एक बड़ा आइलैंड आपने ढूंढ निकाला है आई रस ऑन डेक एंड गेजेड विथ रिलीफ एज द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इलाम्स्टरडेम इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वालकैनिक रॉक विथ लिटल वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटिफुल आईलैंड इन द वर्ल्ड मैं डेक पर गया वहाँ से देखने की कोशिश की कंप्लीट जीरो जीरो आउटलाइन मैंने ये आइलैंड का देखा जिसको स्टार्क आउटलाइन बोलते हैं यानी पूरी तरीके से मैंने उसको टोटल एंड कंप्लीट या कंप्लीट एंड टोटल बोलेंगे वो दूर से मैंने देख लिया उसकी जो लैंड थी वो जो वो था इले एम्स्टरडैम जो आइलैंड का नाम था इट वाज ओनली अ ब्लीक पीस डियर स्टूडेंट्स यानी बैर एम टी पीस ऑफ वॉलकैनिक रॉक यानी जो हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत में से बना हुआ ये पूरा एक एक आइलैंड था यहाँ पे थोड़ी वनस्पति वगैरह थी और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सुंदर आइलैंड वी एंकरेड ऑफ सॉर फॉर द नाइट वहाँ उसके तट पर ही हम लोगों ने लंगर डाला वहाँ पर जहाज रोका हमारा एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल ट्वेंटी एट इन्हेबिट्स ऑफ द आईलैंड चीयर एज द हेल्पड एसॉर और वहाँ के जो रहवासी थे इन्हीबिट्स करीब ट्वेंटी एट लोग वो आइलैंड के हम लोगों को वेलकम करने के लिए और हमें मदद भी की वहाँ पर तट पर वो लोग आए Uh, हमें वेलकम करने के लिए विथ लैंड अंडर माय फीट अगेन माय थॉट्स वे फुल ऑफ लेरी एंड हरबी मैंने अपने पाँव के नीचे ये ज़मीन देखी क्योंकि पानी में बहुत टाइम निकाल दिया था समंदर के अंदर तो ज़मीन देखी मेरे जो थॉट्स थे फूल ऑफ़ लेरी एंड हरबी और लेरी और हरबी के बारे में मैं मैं सोच रहा था cheerful and optimistic under the uh, direst stress इतने तनाव भरे वातावरण में भी ये दोनों कितने cheerful और एक आशावादी एक optimistic रहे and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours इतने सारे घंटे जहाज में हम लोगों ने निकाले और सभी जगह पर मेरी ने अपना सुकान संभाला संचालन बराबर किया जहाज का तो उसका भी वो बहुत ही प्रशंसा करते हैं मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ माई सेवन ईयर ओल्ड गर्ल हु डीड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हैड इंजरी सबसे ज़्यादा मुझे एक आई थाट दैट मेरी जो सात साल की लड़की थी डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी हमें चिंता करने का मौका नहीं दिया जो कि उसके माथे पर इंजरी हुआ था जैसे हम बोलो बोलेंगे विच सब्सिक्वेंटली टूक सिक्स माइनर ऑपरेशन बाद में छः ऑपरेशन हुए उसके सर के अंदर टू रिमूव रिकरिंग ब्लड ब्लड जम गया था वहाँ पे उसका क्लॉट हो गया था ब्लड बिटवीन स्कीन एंड स्कल उसकी जो खोपड़ी और उसकी जो स्कीन थी वहाँ पर पूरा ब्लड अंदर जमा था और सिक्स ऑपरेशन करने पड़े एंड ऑफ ए सिक्स ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई एंड लास्ट में मेरा लड़का के जो उसने बोल दिया था दैट वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई यानी वो मर मरने से डरता नहीं है क्योंकि हम लोग सब साथ में है पूरा परिवार सब साथ में है यस डियर स्टूडेंट्स हियर वी हैव हैविनिज आवर लेंथी एंड सम ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ दिस लेशन दिस लेशन अस दैट फैमिली बॉन्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड daughter relationship between the father and the uh, son and the husband-wife relationship also the friendship uh, with larry and herbie of the author and how that crucial time they have passed and how they fought uh, uh, with uh, the waves of uh, the seas and uh, with lots of struggle at last they reached uh, at island so interesting and uh, very courageous uh, lesson dear students okay by uh, see you i will send you a pdf that you have to write uh, uh, glossary means words meaning and uh, dear students uh, uh, small questions uh, that is not necessary to write but you have to uh, read uh, them but the uh big uh, question answers answers in detail that you have to write okay and some textbook grammar portion you have to write in your fair notebook fine okay if you have any doubt you can directly call me dear students uh, regarding lesson bye see you